अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज इस वाली वीडियो में हम सीज़न 11 के वीक 7 को, जो वीक 7 में हमारे पास चैलेंजेस आए हुए हैं, उस सारे चैलेंजेस को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो भी इस सिंगल वीडियो में। तो गाइस सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं आप लोगों को टाइम निकालूं और आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं कंप्लीट चैलेंजेस की। तो चलिए चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ वाली घंटी पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। वहाँ से आप लोगों को 3 ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ से आप लोगों ने ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ आरपी पर जाते हैं और देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। तो सॉरी ये थोड़ा सा लूज चल रहा है हमारा नेट। तो यहाँ पे चलते हैं, वीक 7 आ चुका है जैसा कि आप लोगों को शो हो रहा है। और फर्स्ट जो हमारे पास चैलेंज है, फिनिश इन द टॉप 20 इन एरेंगल 4 टाइम्स इन क्लासिक मोड। तो आप लोगों ने करना क्या है, टॉप 20 में अपने आप को लाना है, ठीक है, और वो भी एरेंगल में गेम प्ले किए हुए, ठीक है। तो एरेंगल में आप लोगों ने गेम को प्ले कर देना है और टॉप 20 बंदों में से आप लोगों ने आना है, ठीक है। तो एरेंगल कहाँ पे है ये मैं आप लोगों को जल्दी से यहाँ पे दिखा दूँ। तो क्लासिक में ये वाला एरेंगल है, ठीक है। तो एरेंगल को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, इसमें गेम प्ले कर देना है और टॉप 20 में अपने आप को लाना है, ठीक है। तो ये कितनी दफ़ा आप लोगों ने करना है, ये आप लोगों ने 4 दफ़ा करना है, यानी 4 दफ़ा आप लोगों ने एरेंगल में गेम को प्ले कर देना है। तो उसके बाद आप लोगों का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है, फिनिश इन द टॉप 20 सनहॉक 4 टाइम्स इन क्लासिक मोड। तो ये भी आप लोगों ने टॉप 20 में अपने आप को लाना है, लेकिन इस दफ़ा आप लोगों ने सनहॉक को प्ले कर देना है। यहाँ से आप लोग सनहॉक को देख सकते हो, यहाँ क्लासिक में आप लोगों को 3rd नंबर पे सनहॉक मिल रहा है, इसमें आप लोगों ने गेम को प्ले कर देना है और टॉप 20 में अपने आप को लाना है। ये भी 4 दफ़ा आप लोगों ने करना होगा, ठीक है। तो आप लोगों का इससे भी चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट चैलेंज की तरफ जाते हैं, उसमें भी यही चैलेंज है। तो ये सारे यानी तीनों चैलेंजेस में आप लोग अगर एक भी कंप्लीट करते हो ना तो भी ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक और चैलेंज जो है, फिनिश इन द टॉप 20 इन वीकेंडी, यानी आप लोगों ने वीकेंडी मैप को प्ले कर देना है और उसमें टॉप 20 में अपने आप को ला देना है, ठीक है। लेकिन कितने दफ़ा, 4 टाइम, यानी 4 दफ़ा, 4 मैचेस इसके लिए आप लोगों ने ज़रूर प्ले कर देने होंगे और 4ों मैचेस में आप लोगों ने टॉप 20 में अपने आप को ला देना है, ठीक है। इसके लिए अगर आप लोग मेरा सजेशन एक्सेप्ट करना चाहो तो आप लोग ऐसा करो कि लूट कर लो और किसी एक कोने में जाके खामोशी से बैठ जाओ और तब तक वेट करो जब तक 20 बंदे, मतलब टॉप 20 में आप आ जाओ, ठीक है। तो जब टॉप 20 में अपने आप आ जाओ तो आप लोग कोशिश करो कि मतलब गेम को फिनिश करो। फिनिश का मतलब या अपने आप को किसी से किल करवा दो या मतलब लास्ट तक चिकन डिनर ही कर दो तो भी हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज आ रहा है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा है, यूज द थैंक्स आर क्रिएट इमोट इन लास्ट लिनियस मिरमार इन क्लासिक मोड। तो क्लासिक मोड में आप लोगों को मिरमार जो है वो प्ले कर देना है और उसमें यहाँ पे मैं जल्दी से आप लोगों को मिरमार दिखा दूँ। क्लासिक में ये वाला 2nd नंबर पे मिरमार है, इसको आप लोगों ने प्ले कर देना है और जब आप लोग जहाज में होंगे तो आप लोगों ने मैप को ओपन कर देना है और लास्ट लीनियस लोकेशन पर आप लोगों ने जाके लैंड करना है, ठीक है। लास्ट लीनियस लोकेशन आप लोगों को मैप में शो हो जाएगा, वहाँ से आप लोगों ने मार्क कर देना है और अपने आप को वहाँ पे लैंड कर देना है, ठीक है। लैंड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ लास्ट लीनियस लोकेशन पर आप लोगों ने जो है इमोट यूज़ करने हैं। कौन कौन से इमोट मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी से, ये वाला भी थैंक्स इमोट है, ये आप लोग देख सकते हो, ये वाला थैंक्स इमोट है,
ठीक है, और ये वाला भी आप लोग प्ले कर सकते हो, ये वाला, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक मतलब यूज़ कर लो तो आप लोगों का चैलेंज इजीली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है वीक 7 में, यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा है किल वन एनिमी विद अ 60 सेकेंड्स ऑफ लैंडिंग इन क्लासिक मोड। तो क्लासिक मोड में आपने मैच को प्ले कर देना है और 60 सेकेंड के अंदर आपने एक बंदे को मार देना है, यानी जब आप लैंड करोगे उससे आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो जाएगा और 60 सेकेंड के अंदर आप लोगों ने एक बंदे को मार देना है। तो मैं आप लोगों के लिए सजेशन ये दूंगा कि आप लोग जॉर्जा पूल जाओ, और जॉर्जा पूल में हो सकता है आप लोगों को पहले गन मिल जाए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमी होते हैं, तो 60 सेकेंड के अंदर आप एक बंदे को आसानी से किल कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है फिनिश इन द टॉप 3 इन स्क्वाड 2 मैच 2 टाइम्स इन क्लासिक मोड। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने टॉप 3 में आना है, ठीक है, इन अ स्क्वाड मैच, यानी आप लोगों ने चारों बंदों के साथ आपने गेम को प्ले कर देना है, यानी स्क्वाड में आपने गेम को प्ले कर देना है, ठीक है। और वो प्ले करने के बाद 2 दफ़ा, यानी ये इसके लिए आप लोगों ने 2 मैचेस आप लोगों ने खेलने होंगे, वो भी क्लासिक मोड में। क्लासिक मोड में 3 मैप आते हैं, एरेंगल, मिरमार और विकेंडी एंड सनहाक, तो 4 आते हैं। कोई भी प्ले कर लो, उसमें स्क्वाड मतलब आप लोग फ्रेंड को इनवाइट करो और उसके साथ गेम खेल लो स्क्वाड में, ठीक है, यानी 4 बंदे आप होंगे तो उसमें टॉप 3 में आप लोगों ने आना है, ठीक है, 2 दफ़ा, तो आप लोगों का ये चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है पिकअप सेपनाज हेलमेट लेवल 3 और 10 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो क्लासिक मोड में आप लोगों ने किसी भी मैप को सेलेक्ट कर लेना है, उसमें आप लोगों ने गेम को प्ले कर देना है और लेवल 3 का जो हेलमेट है आप लोगों ने वो लेना है। लेकिन ये कितनी दफ़ा करना होगा, मतलब कितने मैचेस आप लोगों ने इसके लिए प्ले कर देने हैं, 10 मैचेस, ठीक है। 10 मैचेस में आप लोगों ने हर एक मैच में आप लोगों ने लेवल 3 का हेलमेट जो होता है, अगर आप लोगों को नीचे नहीं मिलता मतलब किसी रूम में, तो आप लोगों को ज़रूर ड्रॉप में ज़रूर मिलेगा। हर एक ड्रॉप यानी हर एक सर्कल छोटा होने के साथ एक ड्रॉप आता है, तो उसमें आप जाके आसानी से ले सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों का चैलेंज ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है डील अ टोटल ऑफ 5000 डैमेजेस विद अ हेडशॉट्स इन क्लासिक मोड। तो भाई हेडशॉट करो बेनिमी को, यानी सर पे गोली मारो, और जब तक आप लोगों के डैमेज को जो पॉइंट है वो 500 तक पहुंच जाएंगे, तो आप लोगों का ये चैलेंज इजीली कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों के पास ज़रूरी है कि आप लोगों ने क्लासिक मोड, क्लासिक में 4 मैप आते हैं, मैंने आप लोगों से पहले भी बताया। आप लोगों ने इस चैलेंज के लिए आप लोगों ने ना तो आर्केड मोड प्ले करनी है, ना वार प्ले करनी है, ना कोई और मैप, ये किसी और मैप में नहीं हो सकता, ओनली क्लासिक में। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है पिकअप फ्लेयर गन और 5 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो आप लोगों ने फ्लेयर गन को उठा देना है, वो भी 5 मैचेस में, ठीक है, लेकिन क्लासिक मोड को प्ले करते हुए। क्लासिक मोड में किसी भी मैप को सेलेक्ट कर लो, उसमें आप लोगों ने 5 5 मैचेस में, यानी क्लासिक मोड में आप लोगों ने 5 मैचेस प्ले कर देने हैं और हर एक मैच में आप लोगों ने एक एक फ्लेयर गन उठाना है, ठीक है। फ्लेयर गन उठाने के बाद आप लोगों का ये चैलेंज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को फ्लेयर गन नहीं मिलती तो आप लोग अपने दोस्त से थोड़ी देर के लिए रह सकते हो और फिर उसे वापस करके आप लोगों का काउंट हो जाएगा उसी गेम में, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज आ रहा है लैंड ऑन एनी रूफ टॉप इन कुचंकी 3 टाइम इन क्लासिक मोड। तो क्लासिक मोड में आप लोगों ने एरेंगल को सेलेक्ट करके वहां पे आप लोगों को कुचंकी लोकेशन मिल जाएगा, वहां पे आप लोगों ने 3 दफ़ा उतरना है, ठीक है, उसके किसी भी बिल्डिंग में के छत पर आप लोगों ने 3 दफ़ा उतरना है, ठीक है। एयर एंगल तो आप लोगों को पता है, वहाँ पे आप लोगों को कुचंग की लोकेशन इजीली मिल जाएगा। इसके लिए आप लोगों ने के पास 3 मैचेस आप लोगों ने लाजमान प्ले कर देने होंगे। इसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है, उसी तरह चैलेंज है मीरमार में, इस दफ़ा प्ले करना होगा 3 टाइम और लास्ट लीनियस लोकेशन पर आप लोगों ने 3 दफ़ा उतरना है। उसके बाद हमारे
उस पर उतरना नहीं बल्कि उसमें से किसी बिल्डिंग के छत पर आप लोगों ने उतरना है। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है लैंड आने नहीं रूटा। तो वेनरी विकेंडी इस दफा इस बताया है, विकेंडी आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है क्लासिक मोड में और 3 दफ़ा ये आप लोगों ने मतलब इसके लिए भी कर देने हैं। और मेंट्री लोकेशन पर आप लोगों ने रूफ टॉप यानी वहाँ पर कोई वो होगा बिल्डिंग होगा उसके छत पर आप लोगों ने 3 दफ़ा उतरना है। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है किल 3 एनिमीज विद M24 इन एनी मोड। तो M24 में जल्दी से आप लोगों को बता दूँ उसके साथ आप लोगों ने 3 बंदों को मार देना है। तो ये आप लोग किसी भी मूड में कर सकते हो, स्नाइपर मूड में भी कर सकते हो, आर्केड मूड में ये किसी भी मूड में कर सकते हो। ये 24 है ये आप लोग देख सकते हो ठीक है। तो इसको उठा दो और मतलब स्नाइपिंग में आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि स्नाइपर ट्रेनिंग लगा दो, वहाँ पे आप लोगों को ये इजीली मिल जाता है ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है, लास्ट जो चैलेंज हमारे पास आ रहा है किल 10 एनिमीज विद SKS इन एनी मोड। तो SKS के साथ आप लोगों ने क्या करना है, कितने बंदे इसमें बताया कि मतलब मारने हैं, यहाँ पे जल्दी से मैं देख लूँ, 10 बंदों को आप लोगों ने SKS के साथ मार देना है। इसके लिए भी आप लोग स्नाइपर मूड सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे लिखा था चैलेंज में कि किसी भी मूड में एनी मूड। तो यहाँ पे आर्केड में जाओ, ये स्नाइपर मूड है ठीक है, स्नाइपर ट्रेनिंग, तो इसको सेलेक्ट कर लो। ये दोनों चैलेंजेस आप लोगों के इससे हो जाएंगे एक ही मैच से। तो अगर आप लोगों को मैं जल्दी से SKS बता दूँ तो यहाँ SKS आप लोगों को मैं जल्दी से SKS, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो SKS जो के मेरे प्लेयर के हाथ में टिके, इससे आप लोगों ने 10 बंदों को मार देना है। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके 7 वाली घंटी पर क्लिक कर देना। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।